हमारे तावीजात या तरिया के इस्तेमाल बताते हैं कि एक शख्स के बारे में पता चला कि वो ऐसा बीमार था, ऐसा बीमार था, उसके इलाज के लिए उसके जानने वाले आए थे। वो चारपाई के ऊपर कभी इस तरफ तड़पता तो कभी उछल कर उस तरफ आता और उधर तड़पता, और चारपाई इसकी तड़पने से जो ना चारपाई उछलती रहती, बिल्कुल अजीबोगरीब हालत थी उसकी, इतनी तकलीफ थी उसको। उसकी वजूहात खुद उसकी तरफ से जो बयान की गई वो ये थी कि ये था बैरून मुल्क, इसकी बीवी और इसकी माँ के दरमियान नाचाकी थी, और इसकी बीवी इसके कान भरती रही माँ के मामले में, और ये इतना वन साइड ट्रैफिक चलाता रहा कि बीवी की बातें सुन 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 सुनकर इसके दिल में माँ की नफरत बैठ गई। अब ना माँ कॉन्टेक्ट करे कॉन्टेक्ट में ना आए, आखिरकार ये पाकिस्तान लौटा। जब पाकिस्तान वापस आया तो आने के बाद माँ इसे मिलने घर गई, माँ से नहीं मिलने आया, माँ इसे मिलने घर गई। ये कमरे में छुप गया, अरे माँ को देख रहे नहीं है, माँ उस कमरे में जाए उधर चला जाए, माँ उधर जाए उधर चला जाए, हत्ता के माँ छत पर चढ़कर जाकर देखने लगी कि बेटे को देख तो रो, मेरी आंखें तरस रही है बेटे को देखने को, मगर इसने माँ को देखने तक ना दिया। माँ रोती हुई चली गई और बेटे के गम में बीमार हो गए, घुलती रही घुलती रही घुलती रही, यहाँ तक कि माँ अस्पताल में एडमिट हो गए, और बेटे के गम में तरफ 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 कर माँ ने दम तोड़ दी। एक साल गुजरा था इसके बेटे की यही हालत, वो भी तड़पने लगा। एक साल गुजरा, अगर ये वाकई माँ बाप को सताने की सजा थी तो इसमें इबरत है, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए। हमने तमाम मुसलमानों से हमदर्दी है, लेकिन ये एक वाकया नहीं है, अगर वाकई ये माँ बाप को सताने ही की सजा है तो इबरत ही इबरत, इबरत ही इबरत। ऐसे कई वाकया थे, किताबें भरी हुई है माँ बाप को सताने के हवाले से। ज्यादा मीठे इस्लामी भाइयों, खुदा अपने माँ बाप को मत सताइए। अपनी बीवी की बातों में आकर, मैं नहीं कहता कि बीवी पर जुल्म कीजिए, बच्चों की अम्मी पर जुल्म कीजिए ना, लेकिन बड़ी ही अजीब गंदी तबीयत की मालिक है वो औरत जो अपने शोहर को अब उसके माँ बाप के लिए उकसाती है। वो भी खुदा से डरे कि अगर उसने इसको अपने माँ बाप से जुदा किया तो ये सुन ले कि डर है कि ये भी अपनी औलाद के सुख से महरूम हो जाएगी। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये याद रखिएगा।